पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल खुलने लगे हैं और सुर्खियां लगातार बटोर रहे हैं। अलग अलग थीम पर बने इस पंडाल को लेकर लोगों में गजब का आकर्षण बना हुआ है। ऐसा ही हुगली में बना है एक पंडाल जो बहुत चर्चा में है इस वक्त, जिसमें महिला शक्ति को मुद्दा बनाते हुए पंडाल बनाया गया है। देखिए, शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना का पर्व नवरात्रि बंगाल में धूमधाम से चल रहा है। बंगाल के पंडालों की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में होती है। अब जरा इस पंडाल को ले लीजिए जो हुगली के डानकुनी इलाके में बनाया गया है, जिसकी चर्चा हो रही है। इसकी वजह है पंडाल की थीम, जिसमें माँ आदि शक्ति के साथ महिला शक्ति को शामिल कर न केवल पंडाल को नया रूप दिया गया है, बल्कि शक्ति के इस दोनों स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। इस पंडाल की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इस पंडाल में महिलाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले कॉस्मेटिक्स की चीजों को पंडाल में शामिल किया गया है, जिसमें चूड़ी, शाखा पोला, पोला, सिंदूर का टिब्बा और बिंदिया जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ चित्रों और कृतियों के जरिए उन महिलाओं को दिखाने की कोशिश की गई है जो रोजमर्रा की जिंदगी में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम को करने की कोशिश कर रही हैं। ये पंडाल डानकुनी के सप्त ऋषि सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से बनाया गया है, जिसका ये 31वां साल है जो महिलाओं को पूरी तरह समर्पित कर दिया गया है। নারীরা আজকালকার দিনে কোনো দিক থেকে পিছিয়ে নয়, নারীরা এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন দিক থেকে আমরা দেখতে পাই। আর আমাদের মণ্ডপ সজ্জাটাও হচ্ছে নারীদের প্রসাদনী দ্রব্য দিয়ে, শাখা, সিঁদুর, পলা, সিঁদুর ঝাঁপি, মানে আমাদের বিবাহিত নারীদের যেটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, শাড়ি, সেই সব দিয়ে ইভেন মণ্ডপটা আরো সজ্জিত হচ্ছে আপনার ওই হ্যান্ড পেন্টিং দিয়ে। यकीनन अपना देश नारियों को पूजने की परंपरा वाला है, फिर जिस तरह से बीते कुछ समय में हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वो ये बताता है कि नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण की कोशिशों का नतीजा क्या है। डानकुनी नगर पालिका के चेयरमैन इस थीम और सोच के पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसका श्रेय देने से नहीं चुकती। যা মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই আপনারা দেখেছেন যে মহিলাদেরকে তিনি সামনের সারিতে আনার চেষ্টা করেছেন সবসময়, এবং তার অনুপ্রেরণাতেই মহিলারা একের পর এক পুজো কিন্তু নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন। গত বছরও আমরা দেখেছি বেশ কয়েকটা পুজো কমিটিতে একদম টোটাল মহিলাদের নেতৃত্বেই হয়েছে, এবারেও সপ্তশীর করছে মহিলারা। তাই আমরা নারী আমরা পারি, নিশ্চিতভাবে তারা ঘরও সামলাচ্ছে, পুজোও সামলাচ্ছে, আবার সবটাই রাজনীতিও করছে, প্রশাসনেও থাকছে, অর্থাৎ মেয়েদের বলে মেয়েরা কোনো কিছুতেই কিন্তু পিছিয়ে নেই। हम सभी महिलाएं और हमारे लिए हर मंजिल मुमकिन है, यही थीम है इस पंडाल की। इसमें कोई झूठ भी नहीं है, समाज में हर रोज इसके उदाहरण मिल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।